दोस्तों, स्वागत है आपका खास खबरें आपका अपना न्यूज चैनल। देश और दुनिया की खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और लेटेस्ट खबरें सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन को हिट करना न भूले। तटरक्षक की सेवा में शामिल हुआ स्वदेशी गश्ती जहाज विजय। भारतीय तटरक्षक ने शुक्रवार को उन्नत नेविगेशन और संचार उपकरण से सुसज्जित स्वदेशी गश्ती जहाज विजय को सेवा में शामिल कर लिया। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार 98 मीटर लंबे इस जहाज को विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों में गहन जांच के लिए ओडिशा के पारादीप में तैनात किया जाएगा। विजय को सेवा में शामिल करने के लिए ओडिशा में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सुरक्षा सचिव संजय मित्रा और तटरक्षक महानिदेशक राजेंद्र सिंह ने हिस्सा लिया। सुरक्षा सचिव ने इस मौके पर कहा कि इससे पूर्वी समुद्र तटों की हमारी विशाल तटरेखा और विशेषत ओडिशा व पश्चिम बंगाल राज्यों की समुद्री सुरक्षा बेहतर होगी। यह जहाज समुद्र में तेल फैलने से रोकने के लिए सीमित प्रदूषण प्रतिक्रिया उपकरण ले जाने में सक्षम है और आग नियंत्रण प्रणाली के साथ 30 मिलीमीटर की बंदूक से लैस है। कमांडेंट हरेंद्रजीत सिंह इस जहाज का नेतृत्व करेंगे और इस पर 12 अधिकारी और 91 अन्य व्यक्ति तैनात होंगे। यह जहाज दो इंजन वाला एक हेलीकॉप्टर व 4 उच्च गति वाली नौकाओं सहित बोर्डिंग, खोज व बचाव, कानून प्रवर्तन और समुद्री गश्त संचालन के लिए 2 नौकाएं ले जाने में सक्षम होगा। इसे आधुनिक नेविगेशन और संचार उपकरणों से लैस किया गया है। जानकारी के अनुसार भारतीय तटरक्षक में अभी 137 नौकाएं और 62 विमान हैं। वहीं विभिन्न भारतीय शिपयार्डों में 61 नौकाओं पर काम किया जा रहा है।